Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. My name is Arvaz from American Islamic School. Let's start now students. कल हमने discussions किया था HCF के ऊपर और आज हम chapter number 6 के according discussions करेंगे LCM के ऊपर. ठीक है? Abbreviations दोनों के मैंने आप लोगों को कल भी इसके discussions करके बताए थे. आज फिर again मैं आपको बता देता हूँ दोबारा. LCM कहते हैं LCM least common multiples. अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ये एक क्वेश्चन नीचे मेंशंस किया हुआ है जिसके अंदर कहा गया है कि इसको एलसीएम के तरीके से इसको फाइंड आउट करके मैंने वो आपको ये रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 39 एक्स की पावर 7 वाई की पावर 3 जी एंड 91 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6 एंड जी ये वैल्यूज लिखी हुई हैं आपके पास. ठीक है, इसको एलसीएम के मेथड के जरिए हमने इसको सॉल्व करना है. तो 39 को सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 39 का एलसीएम वो हमारे पास 3 और 13 ये रिप्रेजेंट किया जाएगा. एक्स की पावर 7 एक्स को हम 7 टाइम मेंशन कर देंगे. वाई की पावर 3 वाई को हम 3 टाइम मेंशन कर देंगे. जी है 1 टाइम है इसको 1 टाइम ही मेंशन कर देंगे. सेकंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास है 91 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6 एंड जी की पावर 7. ठीक है, 91 का एलसीएम वो हमारे पास आएगा 7.13. ठीक है, बट मींस के 7 मल्टीप्लाई बाय 13. एक्स 5 टाइम है तो हमने इसको 5 टाइम एक्स लिख दिया है. ठीक है, वाई 6 टाइम है तो वाई को 6 टाइम इधर मेंशन कर दिया है. जी हमारे पास 7 टाइम है तो जी को हमने 7 टाइम मेंशन कर दिया है. ठीक है, अब एलसीएम बेसिकली वैल्यूज उसके अंदर होती हैं, कॉमन वैल्यूज भी होती हैं और अनकॉमन वैल्यूज भी मेंशन की जाती हैं एलसीएम के मेथड के अंदर. अब कॉमन वैल्यूज हमारे पास जो थी उसके ऊपर मैंने आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर सर्कल लगाए हुए हैं जो कॉमन वैल्यूज हैं. कॉमन वैल्यूज कौन सी होती हैं? जो फर्स्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी हो या सेकंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी वो वैल्यूज मेंशन की हो. अगर हमारे पास इधर थर्ड वैल्यूज काउंट की जाती हैं या थर्ड वैल्यूज को कहा जाता है कि उसका एलसीएम लेकर दिखाना है तो थर्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी जो तीनों वैल्यूज के अंदर ये कॉमन होंगी वो वैल्यूज हम नीचे इसके अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे. 13 फर्स्ट वैल्यूज में भी था, सेकंड वैल्यूज में भी था, हमने इसको रिप्रेजेंट करके नीचे मेंशन कर दिया. एक्स 5x ऐसे हैं जो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं. 5x मैंने इधर ये मेंशन कर दिया. वाई हमारे पास 3y से, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने 3y को भी क्या कर दिया इसके अंदर मेंशन कर दिया है. ठीक है, अब हमारे पास जी के अकॉर्डिंग है, जी हमारे पास 1 है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको 1 को भी कैलकुलेट करके नीचे मेंशन कर देंगे. अब जो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास रह गई हैं अनकॉमन वैल्यूज जिन पे मैंने सर्कल नहीं मेंशन किया, अब वो वैल्यूज हम क्या करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से इधर मेंशन कर देंगे. 3 फर्स्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग 1x 2x है और हमारे पास और कोई भी वैल्यूज इसके ऊपर मेंशन नहीं है. तो ये देखें स्टूडेंट्स 3x और x मैंने इसके साथ मेंशन कर दिया है. सेकंड वैल्यूज में से भी 7y Z, ये 6 टाइम्स Z हैं, ये 6 टाइम्स Z मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. 13 x 5 है तो x 5 लिख दिया, y 3 है तो y 3 रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, z 1 है तो z 1 रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई उसी तरीके से साथ मेंशन कर दिया है. 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर 21. एक्स 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स इधर रिप्रेजेंट कर दिया. वाई 3 टाइम्स है तो इधर हमने 3 टाइम्स इसको रिप्रेजेंट कर दिया. अब जी हमारे पास 6 टाइम था तो जी हमने इधर 6 टाइम रिप्रेजेंट कर दिया. तो स्टूडेंट्स ये सब वैल्यूज को आपने आपस में मल्टीप्लाई करके 21 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 273. एक्स 5 है, इधर एक्स 2 है. मैंने कल भी आपसे इस हवाले से डिस्कशन की थी कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है. अब एक्स 5 है और 2 है, 5 और 2 कितने पावर्स हो जाएगी हमारे पास, एक्स की पावर 7 हो जाएगी. और वाई 3 है और इधर भी वाई 3 है तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. 6 इधर है जी और इधर 1 है तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 6 और 1 7z. ये हमारे पास एलसीएम का मेथड है. उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझ आया होगा. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम इंशाल्लाह कल डिस्कशंस करेंगे. अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें.